हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली से कार्यालय आदेश जारी हुआ है। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला वैशाली नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान के संबंध में पत्र है। प्रसंग दिया गया है, महाशय उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1225 दिनांक 8/11/2023 द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि दिनांक 11/11/2023 से नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान कराना है। विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में वैशाली जिला अंतर्गत नव नियुक्त अध्यापक को विद्यालय योगदान पत्र देने हेतु दिनांक 13/11/2023 से एवं 14/11/2023 को 10:30 पूर्वाह्न से 5 अपराह्न तक कक्षा 1 से 5 के लिए आदर्श मध्य विद्यालय दिग्घी कला हाजीपुर और कक्षा 9, 10 एवं 11, 12 के लिए SMS इंटर विद्यालय दिग्घी कला हाजीपुर में निर्धारित है। निर्देशानुसार योगदान स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान सावधानी बरती जाए। पहला, क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी? दूसरा, क्या यह वही व्यक्ति है जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई है? तीसरा, क्या यह वही व्यक्ति है जिन्हें 2/2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था? विद्यालय योगदान पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न कागजात और नव नियुक्त विद्यालय अध्यापक अपने साथ कैंप में लाएंगे। पहला, परीक्षा प्रवेश पत्र। दूसरा, काउंसलिंग के पश्चात निर्गत विद्यालय ओरिएंटेशन पत्र। तीसरा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और चौथा, आधार कार्ड एवं अन्य ID प्रूफ। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विद्यालय योगदान पत्र दिनांक 13/11/2023 से 14/11/2023 को ससमय प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाए। विद्यालय में योगदान के पश्चात संबंधित शिक्षक पुनः इंडक्शन प्रशिक्षण पूर्व निर्धारित स्थल में निर्धारित तिथि तक प्राप्त करे। सभी संबंधित को आज ही सूचना देने का कष्ट किया जाए। ये वैशाली जिले से है। 11/11/23 आज ही के डेट में पत्र जो है वो जारी हुआ है।